मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये मार्केट में फिलॉसफी चल रही है कि नेवर गिव अप नेवर गिव अप, सर ये फिलॉसफी क्यों है? सर एक बंदा है जो 100% अपना दे चुका है और उसके बाद भी उसका वो चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है रिलेटेड टू इन एग्जाम्स वगैरह में, और वो गिव अप करने को तैयार है, मतलब वो हटने को तैयार है क्योंकि उसका ही डिसीजन था उसमें जाने का और उसका ही डिसीजन है उसे बाहर आने का, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत कर रहा है वो। लेकिन सर ये जो मार्केट में फिलॉसफी चल चुकी है नेवर गिव अप नेवर गिव अप, इसकी वजह से सर वो गिव अप नहीं कर पा रहा है। और सर आस पास मेरी तरफ इशारा कर रहे हो क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं। ये फिलॉसफी किसने चलाई है ये मार्केट में, और किस मार्केट में ये फिलॉसफी चल रही है? बहुत लोगों ने चलाई है सर। अच्छा, किसी का पर्सनल मैं नाम नहीं ले रहा सर। आई अंडरस्टैंड। और सर लोग उसकी तरफ ऐसे देखते हैं कि जैसे उसने कोई क्राइम किया है और आईपीसी के किसी सेक्शन में उसे सजा मिलनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड। क्वेश्चन ये है कि सर नेवर गिव अप कौन सी एज तक? सर कौन सी एक टाइम पीरियड तो होगा कि यहाँ तक नेवर गिव अप? 50 साल 60 साल। हाँ सर, क्योंकि सर उसके बाद तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा ना सर। हाँ है ना सर। मैंने अपने बहुत अलग अलग सेशंस में एक एग्जांपल दिया है, अभी दोबारा से देता हूँ, उससे आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर होगा। देखो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर दीवार में हम कील ठोक रहे हैं, आप कील ठोकने की कोशिश कर रहे हो, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 2 दिन हो गए, डेली आकर के यही करते रहते हो और कील टेढ़ी होती चली जा रही हैं, काफ़ी सारी कीलें खराब हो गई हैं लेकिन वो अंदर नहीं जा रही है, तो क्या वहाँ पे फिलॉसफी काम आएगी कि नेवर गिव अप, लगे रहो, कभी तो जाएगी, कभी तो जाएगी। हो सकता है वहाँ पे पीछे कोई लोहे का बीम हो जिसके आर पर वो जा ही नहीं सकती, और अगर चली भी गई 10 साल बाद तो इट इज नॉट वर्थ इट, कि 10 साल तक आपने किया क्या, एक कील ही तो ठोकी है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? या तो एक्चुअल में कोई बहुत बड़ा काम कर रहे होते कि ठीक है 10-20 साल लगाए उसके बाद में कुछ किया आपने, क्या किया भाई 20 साल लग गए और एक कील ठोक दी मैंने, तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो अब यहाँ पर क्या फंडा काम आएगा, यहाँ पर समझदारी चाहिए कि अगर कील अंदर नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही, गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पर यू आर नॉट गिविंग अप, Neither you are saying कि नहीं मेरे को लगे रहना है। इन दोनों से सक्सेस नहीं मिलती है, सक्सेस मिलती है जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो सक्सेसफुल होने का रास्ता है, जो तरीका है उसको क्रैक करके। दोनों में फर्क समझ आया कि अब वहां पे मोटिवेशन काम आने वाला है कील ठोकने में, क्या डीमोटिवेशन काम आएगा? नहीं, कील तो कभी अंदर जा ही नहीं सकती, यहां नहीं जा सकती तो कहीं नहीं जा सकती, दुनिया की किसी दीवार में नहीं जा सकती। यहां पे ना तो डीमोटिवेशन काम आने वाला है ना मोटिवेशन, तो क्या काम आएगा? क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, कि अगर ये कील अंदर नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही, औरों की जा रही है मेरी नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही। जैसी क्वेश्चन बीच में आ जाता है और अगर उस क्वेश्चन को आप पकड़ करके रखते हो और जितनी देर तक आप क्वेश्चन के साथ ठहर सकते हो उतने ही आप समझदार हो। जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई ये कील अंदर क्यों नहीं जा रही, अब एकदम से आपको जवाब मिलेगा, अच्छा हो सकता है यहां पर कुछ गड़बड़ हो, इसके पीछे हो सकता है लोहे का कुछ हो सकता है कील में कुछ गड़बड़ हो सकता है इसको अंदर ले जाने के लिए हथौड़ा चाहिए होता है और मैं अपने हाथ से ही लगा हुआ हूं, मेरे हाथ में खून निकल रहा है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अभी आप हंस रहे हो बट ऐसे ही हम लाइफ को जी रहे हैं। यहां पर जो लोग बैठे हैं ना 90% लोग ऐसे ही जी रहे हैं अपनी लाइफ को, लगे हुए हैं हाथ पैर मार रहे हैं अलग अलग तरीकों से, कुछ हो रहा नहीं है फिर भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, या तो एक्साइटेड हुए पड़े हैं कि नहीं मैंने 10 बार ट्राई कर लिया नहीं हुआ 11वीं बार होगा, बेवकूफ है मेरे हिसाब से समझदार नहीं है, क्योंकि जो आपने 10 बार गलती करी अगर वही 11वीं बार भी करने वाले हो तो गारंटेड है नहीं होगा। सो यहां पर ये क्वेश्चनिंग बीच में आ जाती है, तो एकदम से आप देखोगे अच्छा मैं अपने हाथ से लगा हुआ हूं, मैं मेहनत उनसे ज्यादा कर रहा हूं, वो बंदे मेहनत भी कम कर रहे हैं फिर भी उनका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ करी है, मेरे खून भी आ रहा है किसी और के खून भी नहीं नजर आ रहा है मेरे को, तो क्या है गड़बड़? तो आपको एकदम से एक पॉइंट समझ आया, अच्छा इसके लिए हथौड़ा चाहिए होता है, उससे आपने ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ, अच्छा शायद मेरे को पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, शायद जो कील है आगे से नुकीली नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे जैसे आपको आंसर्स मिलते चले जा रहे हो उसको आप इंप्लीमेंट करते चले जा रहे हो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। चाहे आप किसी एंट्रेंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो या कोई बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ लोग हैं जिनका हो पा रहा है जिनको सक्सेस मिल रही है, कुछ है जिनको नहीं मिल रही है। अगर क्वेश्चन पूछ पूछ करके आप इन दोनों के बीच के फर्क को बारीकी से समझ लो कि जो सक्सेसफुल हो रहे हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो ऐसा क्या सही कर रहे हैं और जो नहीं हो पा रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं,
और गलत को आप अवॉइड करो, सही को पक्का करते चले जाओ, तो अब क्यों नहीं होगा आपका? अब इस सबकी शुरुआत कहां से हुई? अगर ध्यान से आप समझोगे, क्या मोटिवेशन से? क्वेश्चनिंग से। क्वेश्चन किससे पूछना है? किसी और से पूछना है? अपने आप से पूछना है। कितनी बार ऐसा होता है कि दिन में आप अपने आप से बैठ करके एक्चुअल में क्वेश्चनिंग करते हो? अपने आप से सच बोलो। रियली? बिल्कुल सही बोला आपने। हम बिजी हैं, या तो अपने मोबाइल में बिजी हैं, या जो बाहर से लोग हमको बोल रहे हैं उनकी बातों का जो बुरा मानना है उसमें हम बिजी हैं, या एक्साइटेड होते रहते हैं। बाहर से मेरी कोई वीडियो देखिए, एक्साइटेड हो गए। या तो हम एक्साइटेड होने में बिजी हैं, या डिप्रेस्ड होने में बिजी हैं, या वेला टाइम पास करने में बिजी है। क्वेश्चनिंग तो यहां पर कहीं है ही नहीं। जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं पास्ट में, उसको आप सक्सेस बोल सकते हो? क्योंकि अगर वो नहीं हुई होती तो आज साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी होती। आज जो भी कुछ हो रहा है वो नहीं हो पाया होता। उन सारी डिस्कवरीज की शुरुआत कहां से हुई थी? क्वेश्चनिंग से। किसी ने कोई ना कोई सवाल पूछा था ना? लेकिन ये क्वेश्चनिंग जो है, इट इज ईजियर सेड देन डन। लाखों में कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअल में ढंग के क्वेश्चंस पूछते हैं। ज्यादातर क्वेश्चनिंग भी हम करते हैं तो बेवकूफों वाली क्वेश्चनिंग करते हैं कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है क्या? तो मैं घर से बाहर जा रहा था, वहां पे ना वो नींबू के ऊपर मेरा पैर पड़ गया, किसने किया है मेरे साथ, अब मैं क्या करूं इसको ठीक करने के लिए? देख रहे हो क्या फुद्दू हरकतें कर रहे हैं? करना क्या है, अगर आप एक एंट्रेंस की तैयारी करो तो उसमें दिमाग लगाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करनी है। हेलो सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने किसी चीज को करा है लेकिन हमें उसमें भी सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन हम दूसरी चीज को कर रहे हैं, क्या पता हमें उसमें भी ना मिले, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम दूसरी चीज में लगे रहे कि उसको भी करने में क्रैक कर उसे कर पाए। देखो, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है जो हम अपने आप को देते हैं। ये हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हो। क्योंकि द मोमेंट वी से कि मेरे पास में टाइम नहीं है, तो क्या करने के लिए आपके पास में टाइम नहीं है? नहीं सर, लो सक्सेसफुल होने के लिए टाइम नहीं है। सक्सेसफुल नहीं सर, हमारे पे इतना दबाव हो या... मैं समझ गया आपके ऊपर दबाव है, मैं सारा कुछ समझ गया। आप ये कह रहे हो कि घर वाले पीछे पड़े हैं, शादी करा देंगे, एज हो गई है, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ आपकी। तो मेरे भाई शादी 2 साल बाद कर लो, 3 साल बाद कर लो, क्या हो जाएगा? शादी नहीं सर, कोई दूसरी प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब। अच्छा, अब कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई। दूसरी कौन सी? जैसे सर लोग। हाँ, तो लोग क्या करते हैं? सर लोगों का काम है कहना, और वो कहते हैं कभी भी किसी से मिलेंगे तो उनका सिर्फ गेन पॉइंट होगा कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, कैसे हो, क्या, कुछ नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, बेटा जॉब लग गई, बेटा ये कर रहे हो, बेटा वो कर रहे हो। एक बात सोचना प्लीज, हैव अ सीट। जिसको हम लोग कहते हैं, क्या हम उन लोगों से अलग हैं? क्या हम भी यही नहीं करते हैं? अपने अंदर झांक करके देखोगे ना, आपको सारे इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कुछ ढंग का कर जाते हो, कहीं पे आपका हो गया, कहीं पे आपने क्रैक कर लिया, तो जा करके आपको मजा नहीं आता है पूछने में किसी से? उसके लेने में मजा नहीं आता है? आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि उसका नहीं हो? तो आपको पहले ही पता है, वो तो पता लग चुका है। आपका इंटरेस्ट है अपना बताने में, क्योंकि आप पूछोगे तो वो भी आपसे पूछेगा, फिर आप बताओगे। तो जिनको आप लोग कहते हो, आप ही तो लोग हो, आप उन लोगों से अलग नहीं हो। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, हम पूछते भी हैं अपने आपसे क्वेश्चंस, तो गलत क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है, सीधा जवाब देते हैं अपने आपको। जवाब क्या है कि मेरे पास में टाइम नहीं है, ये जवाब है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? मेरे पास में कम से कम टाइम है, तो उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे अचीव करूं? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए ना अपने आप से। बिकॉज द मोमेंट यू से कि मेरे पास में टाइम ही नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा क्या निकला? अच्छा, कम टाइम में तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो कुछ करो ही मत, तो टॉपिक क्लोज, खत्म। आपको क्वेश्चन का जवाब मिला, जो आपका जो क्वेश्चन था कि भाई मेरे पास में टाइम कम है तो मैं क्या करूं? तो पहले तो ये बोलो, टाइम कभी कम नहीं होता है। जो करना चाहता है उसके पास में बहुत टाइम है, जो कुछ नहीं करना चाहता है उसके पास में टाइम नहीं है। मतलब जैसे अगर मैं बाहर कंट्रीज की बात करूं, तो वहां पे लोग 40 साल के हो जाते हैं, उनके पास भी टाइम होता है वापस से कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, टाइम ही टाइम है। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट इन साइंटिफिक टर्म्स, इट इज रिलेटिव।
टाइम इज नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसको आप पकड़ सको, कहां है टाइम, दिखाओ, छू के दिखाओ, यू कांट टच इट, यू कांट कैप्चर इट. टाइम इज रिलेटिव. रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू योर स्टेट ऑफ माइंड. फॉर एग्जांपल, अगर आपका टाइम कभी अच्छा निकल रहा होता है, जैसे लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, अभी अभी कल ही पहला प्यार हुआ है, तो उसके बाद टाइम तेज निकल रहा होता है या धीरे निकल रहा होता है? दिन निकल जाते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता है. ऐसा होता है, नहीं होता है? यानी जब हम खुश होते हैं, जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है कि लाइफ बढ़िया चल रही होती है, तो टाइम ऐसे निकल जाता है. दूसरी तरफ से देखो, अगर मैं आपको ले जा करके कहीं, डोसा वोसा खाते हो? तो डोसा जिस पे बनता है उस पे अगर ले जा करके बिठा दूं आपको, तो वहां पे टाइम कितना तेज निकलेगा? जब आपको वहां पे बिठा दिया तो कितने घंटे, कितने दिन? गरम गरम तवा है जिसपे पानी डालते हो तो भाप बन जाता है, तो आपको भी भाप बनने में देर नहीं लगेगी. तो वहां पे टाइम तेज निकलेगा या धीरे निकलेगा? अब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम समझ आ रहा है? Yes, कि ये टाइम एक्चुअल में कहीं नहीं है, मतलब घड़ी आपके सामने है दोनों सिचुएशंस में. एक तरफ से घड़ी तेज घूमने लग गई, मतलब पता ही नहीं लग रहा टाइम निकल गया, ख्यालों में खोए हुए हो और कई घंटे निकल गए, पता ही नहीं लगा. और दूसरी तरफ से वहां से एक एक सेकंड भी कैसा निकलेगा? एक सेकंड, दो सेकंड, चल यहां तक तो, तीन सेकंड, पांच सेकंड. और बांध के बिठाएंगे आपको, ऐसे नहीं, मतलब आप चिंता मत करो, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप उछल जाओगे, नहीं, आपको बांध दिया जाएगा वहां. अब आपको बिठाया हुआ है, तो सेकंड्स भी ऐसे निकलेंगे जैसे कई साल है. तो टाइम इज रिलेटिव, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट जी, टाइम इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड. तो अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए एक महीना भी बहुत है. और जो नहीं करना चाहता है, उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम है, पूरी जिंदगी भी मिल जाए तो बहुत कम है. जिसको जिंदगी जीना आता है खुल करके, उसके लिए एक दिन भी बहुत है. और जिसको नहीं आता जिंदगी जीना, उसको 100 साल की जिंदगी भी मिल जाए तो क्या है? पूछेगा भाई कैसी जरूरत, कट रही है. क्या कट रही है भाई? जिंदगी कट रही है. अच्छा अच्छा, फिर ठीक है. तो ये सारी जो चीजें हैं, अब ये कैसे फंडे सारे क्लियर होंगे? जब ये जो बातें मैं कर रहा हूं, इन बातों को आप समझ लोगे, तो आप देख पाओगे कि जो भी मैं अपने आप को बोलता रहता हूं सुबह से रात तक, उसको आप बोलना कहो या सोचना कहो, अपने माइंड में कुछ ना कुछ बोलते रहते हो ना अपने आप को, मेरी तो ये प्रॉब्लम है, मेरी तो ये, मेरी तो, आपको समझ आएगा सब बकवास है, सब बकवास है. और जिस दिन ये आपको एक्चुअल में समझ आ गया, क्योंकि अगर मैं कहूंगा बकवास है तो आप कहोगे मैं जो सोच रहा हूं वो बकवास नहीं, तू बकवास है. समझ, अंदर से खुंदक आएगी आपको, आप कहोगे आपको पता क्या है मेरी सिचुएशन के बारे में. अगर आप मेरी जगह होगे तो आपके साथ भी यही हुआ, ये एक्सक्यूज देना शुरू कर दोगे, वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई करोगे, अपने बेसलेस बिलीव्स को जस्टिफाई करते चले जाओगे. बट द मोमेंट यू पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन ऑल योर बिलीव्स, तो आपके फंडे क्लियर हो जाते हैं. अब आपका माइंड क्लियर है, अब एक्चुअल में आपके लिए पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है.